व्यू अच्छा होता है, और तो रश नहीं है, अभी दो काम है, गर्मी है थोड़ी तो, लेकिन फिर भी हवा ठंडी चल रही है, महसूस नहीं हो रही। ये जगह अच्छी है, कारपेट म्यूजियम और ये सामने। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज दूसरा दिन है बाकू में, अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने, तो अभी इंशाल्लाह आपको निज़ामी स्ट्रीट दिखाएंगे। ये है निज़ामी स्ट्रीट, निज़ामी स्ट्रीट के साथ है जी। तो आज की वीडियो में हम ट्राई करेंगे अज़रबैजान में जो इनके ट्रेडिशनल फेमस फूड्स हैं वो। फर्स्ट हम नाश्ते से शुरू करेंगे, फिर रात को डिनर भी देखेंगे, और सारे आज हम लोकल फूड ट्राई करेंगे, और मैं आपको साथ में इनकी प्राइस भी बताऊंगा, और दूसरा इनका रिव्यू भी दूंगा कि इनका टेस्ट कैसा है, और आज सब आपको लोकल फूड ट्राई कराया जाएगा। जी तो ये इनका फेमस ट्रेडिशनल फूड था ब्रेकफास्ट के लिए, ये मोस्टली यूज़ होता है, इसमें सब आप देख सकते हैं सब्ज़ी है, फ्रूट सब था, और ये इसकी प्राइस थी 25 मनाल ओनली, 25 मनाल, और ये 3 से 4 लोग इजीली इसको खा सकते हैं। इसके अलावा इनका ये फेमस ट्रेडिशनल टी है, इसे कहवा भी कहते हैं, टी भी है, चाय भी कहते हैं, तो ये भी थी, और इसके साथ बन वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि इसमें जो है सब अच्छी चीज़ें होती हैं, बटर वगैरह, शायद हनी, एवरी थिंग चीज़, तो ये बहुत ही अच्छा है, और ये तकरीबन 25 मिनट का बनता है। जी तो खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद हम आ गए इधर बीच पे, यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त जगह यहाँ पे, और ये पीछे आप बिल्डिंगें देख सकते हैं, ये सीन है यहाँ। अभी हम जा रहे हैं उधर बीच है पीछे, उधर आपको लेके चलेंगे, और लेट्स गो, बीच का व्यू आपको दिखाएंगे, और ये देखिए, और ये देखिए व्यू, और एक और बंदा मेरी वीडियो बना है, ये बंदा, और ये है भाई, यहाँ पे चेस भी खेल सकते हैं, ठीक है, चेस की गेम आप लगा सकते हैं इसी के साथ। उसके बाद सामने बीच है, बीच पे चलेंगे, ये सामने एक स्टैचू लगा हुआ है, यहाँ पिक्चरें ले रहे हैं लोग, और सिंगिंग हो रही है लाइव। ये कौन गा रहा है, कौन गा रहा है, गा रहा है नहीं यार, है ना? नहीं होते। ये सामने बीच, बीच आ गया, बीच और ये बीच का नजारा आपको दिखाएंगे, जूम की तरह जी। तो ये है सामने फ्लेम टावर, जो यहाँ का मशहूर तरीन है, ये फ्लैग लगा हुआ है अज़रबैजान का, उसके पीछे एक इनका टावर है, यहाँ पे जा सकते हैं आप, और ये एक मॉल है, फेमस मॉल, और ये साथ ही बीच का व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस टाइम, ये चेक करें, और इधर भी एक बिल्डिंग है फेमस, और ये इधर का व्यू है। चलिए आगे चल,
ऐसा कुछ व्यू है। ये आ गए हम बीच पे और यहाँ पे पेट्रोल की स्मेल आ रही है, शायद पेट्रोल की स्मेल आती है आपको यहाँ पे जब आते हैं। और यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू है, मैं पीछे वो देख सकते हैं उसमें जाएंगे, पीछे लगा हुआ वो आगे बात के फ्लेम टावर्स, इधर जाएंगे तो इधर आपको नज़र आएंगे दो टावर और एक सर्कल सा बना। बहरहाल अच्छी जगह घूमने के लिए, शाम को और भी अच्छा होता है। और तो राज में भी काम में गर्मी है थोड़ी तो, लेकिन फिर भी वहाँ ठंडी चल रही है महसूस नहीं हो रही। ये जगह अच्छी एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर बंदा आके घंटा दो टाइम स्पेंड कर सकता है। बाकू का आज़रबाइजान का फ्लैग, ये बहुत ही ज़बरदस्त है इधर का। कारपेट म्यूजियम और ये सामने फेमस फ्लेम टावर, यही तो अभी इस मॉल के अंदर हम जाएंगे तो अंदर चलते हैं। तो सारा दिन टाइम स्पेंड करने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद, दिन पूरा स्पेंड करने के बाद अभी हम जा रहे हैं डिनर करने, तो अभी आपको दिखाएंगे डिनर रेस्टोरेंट खाना खाने जाएंगे। Belki tek tutup seni ellerinden, gözümüzden, gönlümüzden nice az bu dünyanın, gözümüzden, gönlümüzden nice arzu, nice istek humarlanan hoşbertlikten bu dünyanın. Bilirim ki kara gitsen, teşekkür ederim. Gelen konuklarımızı var olsunlar. Tak. Bir dakika. Var. Mirko'cum yeşti. Sular da aldı.
उसके बाद हम आगे डिनर कर लें यहाँ पे खाना था यहाँ पे इसमें, और बहुत ही अच्छी सर्विस थी। तो ये हमें जो खाना कॉस्ट पड़ी थी वो चार पर्सन के लिए हमें पड़ी थी 45 मनाल की। इसमें काफ़ी चीज़ें थी, सैलड था, हमने बारबेक्यू मंगाया था, फ्रूट था, काफ़ी किस्म के और चीज़ें थी, कोल्ड ड्रिंक थी इसमें बहुत सारी इंक्लूडेड थी। सो टोटल जो हमें इसकी कॉस्ट पड़ी 45 मनाल पड़ी थी। तो इसका भी जो टेस्ट बहुत सारा लाइव म्यूजिक था यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी सर्विस थी। जी तो फाइनली सारा दिन एक्सप्लोर करने के बाद तो अभी हम आ गए थे वापस होटल में। ये हमारा होटल था, अल्टोस होटल था। तो अभी आज की वीडियो यहीं तक थी, बाकी भी नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगा होटल की प्राइजेज एंड बाकी जो एक दो इनकी फेमस जगह हैं वो एक्सप्लोर करेंगे।